हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुचि शर्मा वीडियोस। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, अगर बच्चा स्कूल का क्लास वर्क टाइम पे फिनिश नहीं कर पा रहा है और घर पे बिना क्लास वर्क कंप्लीट किए नोटबुक के साथ आता है, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्या करें, किसी और से डेली डेली होमवर्क नहीं पूछ सकते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है। हो सकता है कभी कभी हर पेरेंट इतना फ्रेंडली, इतना सपोर्टिंग नहीं होता है कि हमें टाइमली चीज़ें प्रोवाइड कर दे, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने ही बच्चों को सिखाएं कि कैसे हमें टाइमली काम करना है। सबसे पहले डेली आपको, जब अगर मुझे पता है कि मेरा बच्चा स्कूल में क्लास वर्क नहीं करके लाता है, तो आप डेली मॉर्निंग में बच्चे को काउंसिल करेंगी। बच्चे की काउंसलिंग बाय दी पेरेंट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग के लिए बस इतना ही है कि डेली आप बच्चे से डिस्कस करेंगे कि बेटा आज जो भी मैम क्लास में काम कराने वाली हैं, जैसे बाकी सभी बच्चे करते हैं, ऐसे ही आप भी टाइमली करके लाओगे। ठीक है, अगर आप डेली बच्चे को ये कहकर भेजते हैं, तो आप देखिएगा बच्चे के क्लास वर्क में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। सेकेंड चीज़, अगर आप बच्चे को समझा कर भी भेज रहे हैं, उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है बोर्ड पे से। सपोज दिस इज़ दी बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है और बच्चा ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड इज यूज इन द स्कूल, व्हेन द चाइल्ड इज राइटिंग फ्रॉम दी बोर्ड, सपोज टीचर ने यहाँ पर लिख दिया है, कोई कुछ भी टीचर ने एक काम दिया है बच्चों को करने के लिए और सेंटेंसेज आर रिटन हेयर, द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द चाइल्ड इज कॉपिंग फ्रॉम दी बोर्ड, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं अभी इस लाइन पर था या मैं किसी दूसरी लाइन पर काम कर रहा था और मेरा वर्ड कौन सा था, वेयर आई वॉज राइटिंग, और वो ढूंढने में भी बच्चा स्लो हो जाता है। और धीरे धीरे बच्चे से जब काम टाइमली कंप्लीट नहीं होता तो इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। उसके लिए आप बच्चे को सिखाएंगे कि बेटा व्हेन मैम इज़ राइटिंग ऑन दी बोर्ड, सपोज मैम ने ये सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पे, तो आप जब भी लिखोगे, अगर आप फर्स्ट लाइन बोर्ड पे से नोट डाउन कर रहे हो, तो इट शुड बी इन योर माइंड दैट दिस इज द फर्स्ट लाइन। एक मैम ने वहाँ पे काउंटिंग नंबर नहीं लिखी है, सीरियल नंबर्स, बट ये सीरियल नंबर आप खुद काउंट करके चलेंगे दैट आई एम राइटिंग फ्रॉम द थर्ड लाइन, आई एम राइटिंग इन द बिगनिंग, मिडिल और एट द एंड ऑफ दी लाइन। अगर आपने बच्चे को ये चीज़ समझाई है, तो जैसे ही वो नोटबुक में लिखने के बाद बोर्ड पे देख रहा है, क्विकली ही विल रिकॉग्नाइज दी लाइन फ्रॉम वेयर द चाइल्ड इज नोटिंग इट डाउन। ठीक है, तो जैसे कि फोर्थ लाइन में, अब कोई बच्चा अगर काम कर रहा है और उसके माइंड में ये कि यहाँ से वर्ड उतारा, देखा और हमने नोटबुक में लिखा, लेकिन उसे जस्ट एक नंबर माइंड में रखना है कि आई एम ऑन दी थर्ड लाइन, तो वो जल्दी से कहाँ पर जाएगा, बोर्ड पे देखते टाइम पे थर्ड लाइन पे, और उसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका बच्चा क्लास में काम नहीं करके लाता है, तो प्लीज़ काउंसिल दिस कि एक तो करना है, दूसरा कैसे करना है, थर्ड इन केस फिर भी लग रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, देन प्लीज़ बी इन रेगुलर टच। फर्स्ट फर्स्ट वॉज काउंसलिंग, सेकेंड इज़ हाउ टू गाइड कैसे बोर्ड पे से करना है, एंड थर्ड इज टॉक टू द टीचर, टीचर के रेगुलर टच में रहिए, बताइए कि मैम आई एम इक्वली कंसर्न, बच्चा नहीं करके ला रहा है, आई नीड योर हेल्प, यू प्लीज काउंसिल हिम देयर ऑल्सो। अगर टीचर साथ में थोड़ा थोड़ा पुश करता रहता है ना बच्चे को कि ओके बेटा नाउ बी क्विक, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, जल्दी से लिखो, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवड है, तो बच्चा भी एक मोटिवेटेड होकर बच्चा एक बहुत अच्छा काम टीचर को करके दिखाता है, तो इट इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन इफ टीचर इज ऑल्सो सेइंग दैट। तो ये दो तीन चीज़ें आपको करनी है, और साथ में जो आप ऑलरेडी अभी भी करते होंगे, कुछ पेरेंट्स के नंबर आपको रखने हैं जो कि दे शुड बी हेल्पफुल वेन एवर द वर्क इज नॉट डन, फर्स्ट पेरेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, एटलीस्ट 5 नंबर्स इन सच केस वेयर द चाइल्ड इज नॉट डूइंग द क्लास वर्क ऑन टाइम, सो दैट आप डेली एक को परेशान ना करके, बिकॉज समटाइम्स पेरेंट्स आर ऑल्सो बिजी, सो वी कैन नॉट बी आफ्टर देम, इट इज़ माई प्रॉब्लम दैट माई चाइल्ड हैज़ नॉट रिटन, है
है ना, तो एक दिन एक से बात कर ली, दूसरे से बात कर ली, तो उससे क्या होगा, वीक में अगर आप किसी एक पेरेंट की हेल्प मांग रहे हो तो वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स फॉलो करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगेगा बच्चे की परफॉर्मेंस में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हर इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों से रिलेटेड या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हम इजीली डिस्कस कर सकें। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय।